हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बैक कट प्लेन स्कर्ट विद डार्ट्स एंड जिपर की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। उसका नाप इस प्रकार है, स्कर्ट की टोटल लंबाई है 20 इंच, कमर है 30 इंच, हिप है 38 इंच और बेल्ट की लंबाई है 1.5 इंच। तो ये हमारा स्कर्ट का कपड़ा है। ये जिधर से स्ट्रेचेबल है उधर से हम इसकी विड्थ लेंगे और जिधर से थोड़ा कम स्ट्रेच होता है उधर से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो पहले मैं इसमें पीछे एक कट डालूंगी, तो इसलिए मैं बैक पल्ला अलग और फ्रंट पल्ला अलग काटेंगे। तो इसको हम पहले फ्रंट पल्ला काटेंगे, उसके लिए हम इसको इतना फोल्ड करते हैं जितना हमारा हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो। तो हिप है हमारे 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 11 इंच। और लेंथ में इसे लेंगे बेल्ट छोड़ करके अपनी लेंथ प्लस 2 इंच। लेंथ है हमारी 20, तो ये 22 इंच पूरा कपड़ा है। अब इसको एक साइड से विड्थ में हम यहां से बंद भाग से कमर का 1/4 प्लस 1 इंच का निशान लगाएंगे। कमर है 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5 प्लस 1 8 इंच होता है, लेकिन मैं और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्वेइंग सीम के लिए। और हमने फोल्ड इतना ही कर रखा है, तो इसको यहाँ से यहाँ ऐसे स्लांट में लाइन लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट स्कर्ट का पल्ला ऐसे, और इसको इस लाइन मार्क से कट कर देंगे। बैक में कट डालने के लिए हमें इस कपड़े को हम यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा इधर रखेंगे जुड़े हुए भाग की तरफ, और इसको हम यहाँ से ऐसे इसकी साइड में से काट देंगे। ये हो जाएगा हमारे स्कर्ट का बैक पीस। उसके बाद हम इस बैक पीस को भी बीच से ऐसे काट देंगे। हमारे बैक में दो पीस लगेंगे और फ्रंट में ये सिंगल पीस लगेगा। अब ये हो गई हमारी स्कर्ट की कटिंग। इसके बाद जो है इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, तो पहले हम इस स्कर्ट में बैक कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें बेल्ट और जिपर लगाएंगे। इस स्कर्ट की स्टिचिंग के लिए हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, जो हमारे स्कर्ट का बैक पार्ट था, और नीचे से हमने यहाँ से यहाँ जो है 4 इंच का कट लगाना है, और ये 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए है। तो मैं अब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट स्टिच करती हूँ इस प्रकार से। इसको यहाँ पर पहले फॉर्मली फिक्स करके उसके बाद ये स्ट्रेट स्टिचिंग कर दी जाएगी। कपड़े में हम यहां से यहां तक प्रेस स्टिचिंग करेंगे और जो ये कट है इसको हम ऐसे मोड़ करके यहां पर हैंड स्टिचिंग करेंगे, और इस कपड़े में भी ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके इसको भी हम यहां से यहां हैंड स्टिचिंग कर देंगे, या इस पे हम जिगजैग स्टिचिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये रॉन्ग साइड है। इसको हमने बैक के ऊपर रखा हुआ है, बैक ये बैक की रॉन्ग साइड है, और यहाँ से हम 5 इंच अपनी जिप के लिए निशान लगा रहे हैं। 5 इंच में हम जिप इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम इस कपड़े को यहाँ से यहाँ फर्मली स्टिच कर देंगे, यहाँ से नीचे तक फर्मली स्टिच करेंगे और यहाँ पर फर्मली 2-3 स्टिच मारेंगे, और उसके बाद हम इसको टेम्परेरी स्टिचिंग यहाँ तक करेंगे और इसमें जिप इंसर्ट करेंगे। ये रॉन्ग साइड में हमने यहाँ पर टेम्परेरी स्टिचिंग की हुई है और ये हमारा 5 इंच मार्क है। अब हम इस जिप को ऐसे इस तरह से रखेंगे और
राइट साइड में इसके साइड साइड में, मतलब ये जो हमारी टेम्परेरी स्टिचिंग है इसकी साइड साइड में हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। जिपर पैर द्वारा ये जिप हमारी इसके बिल्कुल सेंटर में है और हम इसकी बिल्कुल साइड में ये सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। और जो हमारे जिपर के दांत हैं वो इस पैर के बगल में महसूस किए जाने चाहिए। और इसको यहाँ तक सिलाई लगा करके हम इसको इधर थोड़ा सा फिक्सिंग करेंगे और फिर इस साइड की भी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस टेम्परेरी स्टिचिंग को ओपन कर देंगे ऐसे। टेम्परेरी सिलाई उधेड़ने के बाद ये हमारी जिप है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके फ्रंट में भी दो डार्ट्स और बैक में दोनों साइड एक एक डार्ट्स डालेंगे। वो इस प्रकार डालेंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं और इसके यहाँ से यहाँ 3.5 इंच और लेंथ में भी 3.5 इंच एक लाइन लगाएंगे। ये 3.5 और लेंथ में भी 3.5 लाइन है और इसको इधर से इधर ऐसे 1 इंच ब्रॉडर जो है डार्ट्स डलेंगे और ये दो फ्रंट में और दो बैक में डलते हैं। ऐसे डार्ट्स को फोल्ड करके हम यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म स्टिच करते हैं ताकि ये उधड़े नहीं और इसको नीचे तक जाते जाते ऐसे खत्म कर देंगे। इस प्रकार हम दो फ्रंट और दो बैक में इसकी डार्ट्स डालते हैं। डार्ट्स डालने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। ये चारों डार्ट्स डालने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अपने सींग सीम के अनुसार 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे करके यहाँ से पूरी नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ये लगाने के बाद मैं इसमें बेल्ट लगानी बताती हूँ। बेल्ट की विड्थ हम स्ट्रेचेबल कपड़े की तरफ लेंगे और लेंथ जो है वो नॉन स्ट्रेचेबल की तरफ लेंगे। और बेल्ट की हमारी लेंथ है 1.5 इंच तो उसका डबल हो जाएगा 3 और 1 इंच हम सिलाई सीम के लिए लेंगे तो हम टोटल बेल्ट की लेंथ लेंगे 4 इंच। ऐसे 4 इंच के हम ऐसे लाइन लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। अगर इसमें जॉइंट आता है तो एक स्ट्रिप और काट लेंगे और उसको जॉइंट लगा करके फिर मैं बेल्ट लगानी आपको बताती हूँ। बेल्ट के कपड़े को लगभग 1/2 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इधर जिप की साइड फालतू छोड़ते हुए हम इसकी जो बेल्ट का राइट साइड है और स्कर्ट की रॉन्ग साइड है उन दोनों को ऐसे जोड़ करके इसके ऊपर वेस्ट में हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। चारों तरफ लगनी चाहिए और जब ये हमारे पास डार्ट आए तो इसको हम ऐसे इस तरह से इसको दबा देते हैं, मतलब ये ऐसे सीधा खड़ा है इसको सेंटर में ऐसे दबा करके इसके ऊपर ये कपड़े को ऐसे रख करके बेल्ट के और इसकी स्ट्रेट स्टिचिंग करते हैं। ऐसा हम चारों डार्ट्स में करेंगे और ये जो बेल्ट का हमारा कपड़ा है इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और स्कर्ट के कपड़े को नॉर्मल रहने देते हैं। उसके बाद हम इस एक्स्ट्रा जिप को दोनों साइड से काट देंगे और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से इनर साइड में और इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ से भी इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हम राइट साइड में पूरे इस यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बेल्ट की राइट साइड की स्टिचिंग है, हम इसको ऐसे फोल्ड करते रहते हैं और इसके ऊपर ऐसे स्टिच करते रहते हैं और इस प्रकार ये हमारी बन जाएगी बेल्ट। बेल्ट के एंड में हम इसको इस तरह अंदर फोल्ड करते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके ऊपर लेके जाएंगे और इस बेल्ट की दूसरी साइड भी हम इसकी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से।
ऊपर की ये बेल्ट की सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से जितनी हमारी रिक्वायर्ड 20 लेंथ है वो हम अंदर फोल्ड कर देंगे और ये हो जाएगी हमारी कट बैक कट वाली प्लेन स्कर्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।